हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। दोस्तों, नीट 2021 एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी परेशान है छात्र, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया था। तो आपको बता दूँ कि कल एक अहम फैसला आया है। NTA ने नीट 2021 को लेकर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस साल से JEE मेन 2021 की तरह यह दो बार आयोजित किया जाएगा। लेकिन इसके बारे में जो और लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसको बताने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते दोस्तों, इंडिया एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है कि जो परीक्षा है नीट 2021 की एग्जाम वो दो बार होगी। हालांकि इसका जो शेड्यूल है मेडिकल डेंटल और कई संबंधित संस्थानों के लिए ये अभी अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है, लेकिन जो एग्जाम डेट है वो जून जुलाई या जुलाई अगस्त में कराई जा सकती है। तो दोस्तों, इसके दो बार एग्जाम होंगे, एक जून या जुलाई में हो सकता है और दूसरा जुलाई और अगस्त में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NTA से अपने समकक्षों के साथ हाल ही में एक बैठक में कहा था कि पिछले साल की तरह यह परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा के अलावा यह ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भी कराई जा सकती है, लेकिन बच्चे जो हैं ऑफलाइन मोड में ज्यादा सहमत हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जब हमने महसूस किया कि बड़ी संख्या में नीट के अभ्यर्थी अभी भी ऑनलाइन मोड में परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, तो अब परीक्षा को दो बार आयोजित किया जाएगा और ऑफलाइन मोड में ये कराया जाएगा। NTA के एक अन्य अधिकारी ने भी कहा है कि यह विचार छात्रों पर तनाव को कम करने और उन्हें अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए है। पिछले हफ्ते केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक टीवी चैनल को भी साक्षात्कार इंटरव्यू में कहा था कि उनके और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की जो बातचीत हुई थी उसमें इसको दो बार किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन पर अभी कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन अब ये भी सॉल्व हो गया है क्योंकि बच्चों की सहमति के अनुसार इसको ऑफलाइन मोड में ही दो बार आया जाएगा। एग्जाम डेट और जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी डेट आनी बाकी है, तो एक दो दिन में वो भी आ जाएगी, लेकिन ये तय हो गया है कि एग्जाम जून या जुलाई और अगस्त में हो सकता है। ज्यादातर चांसेस अब आ रहे हैं कि एग्जाम को जुलाई और अगस्त में ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस वर्ष भी आपको बता दूं COVID-19 के मद्देनजर आपको इस वर्ष की परीक्षा की जो तारीखें हैं वो लेट ही रखी जाएंगी और एग्जाम में हर साल 10 लाख से भी अधिक छात्र शामिल होते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पूरी न्यूज थी। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।